हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो मेरा काफ़ी पुराना है एंड उसके बाद मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे दांतों में इतना ज़्यादा दर्द था कि मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी एंड उसकी वजह से मुझे पूरे मुंह में छाले भी हो गए थे, जिसकी वजह से मैं वीडियो एडिटिंग नहीं कर पा रही थी, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। तो आज मुझे थोड़ा सा रिलीफ हुआ है तो मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही हूँ, इसलिए ये वीडियो काफ़ी लेट हो गया है। इनफैक्ट 10 दिन लेट हो गया और ये 10 दिन पहले का वीडियो था। नहीं, देखो ग्लास पे ग्लास पतला पतला है गया, कांच का ग्लास टूट गया, खाली लग रहा है, दे दो। ये देखो, लीजिए भैया। और ये बच्चों ने ना ग्लास को फ्रीजर में रख दिया था जिससे कि अच्छे से बर्फ जम गया था। तो ये मेरी छोटी बहन दिखा रही थी इधर, ये हम लोग नाश्ते की तैयारी कर रहे थे तो मैंने ये बनाया था हलवा, भैया को हलवा खाना, तो मैंने रवा और बेसन डाल के हलवा बनाया था। इधर मैंने मलाई सैंडविच की तैयारी कर रखी थी और हुसैनगंज से ये टेबल आया है तो सब उसको सेट कर दिया गया एंड ये मैं बनाऊँगी पनीर की पकौड़ी। तो भैया के लिए सब नाश्ता बन रहा है, तैयारी कर रहे हैं, तो पनीर की पकौड़ी, रवा एंड बेसन का हलवा और मलाई सैंडविच, तो ये हम लोग ने नाश्ता में बनाया था और जो रस नमकीन ये सब था ये सब नाश्ते में लगा दिया था। तो ये देखिए इधर मैं फटाफट मतलब सैंडविच भी लगाती जा रही हूँ, उधर मैं पकौड़ी भी तल रही थी, मतलब मैं फटाफट तीनों काम एक साथ कर रही थी क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे करना था। नाश्ता हो गया था एंड उसके बाद हम लोग फटाफट खाना बना रहे थे तो टाइम इतना नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो भी बना लूँ, तो बच्चों से बोल रही थी। तो दाल चावल, 2 मिनट की सब्जी, रोटी, ये सब हम लोग ने नाश्ता खाने में बनाया था एंड रायता, तो उसका मैंने प्रॉपर वीडियो नहीं बनाया। तो ये देखिए मेरी खाने की थाली एंड आज हमने बनाया था कलौजी, क्योंकि भैया का कलौजी खाने का मन था और आज मेरी छोटी वाली बहन भी चली जाएगी। तो बस उसके बाद हम लोग खाना खा पी के उसके बाद बैठ के गप्पे मारते हैं, टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता चलता। तो मैं फटाफट रोटी सेक रही थी एंड मेरी बहन फटाफट वो सबकी थाली लगा रही थी। मेरी छोटी वाली बहन चली गई थी एंड मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि वो रात में गई थी एंड मैंने सोचा नहीं था, वो अचानक निकल के हम लोग उसको रोक रहे थे एंड उसके बाद मैं दूसरे दिन बना रही थी कोफ्ता, तो उस दिन का वीडियो है। तो मैंने लौकी रखा हुआ था, मैंने उसका कोफ्ता बनाया क्योंकि 2-3 दिन से हो रहा था कि चलो लौकी का कोफ्ता ही बना लेते हैं। तो इधर मैंने पकौड़े तल लिए थे, इधर मसाला भून रहा था और मैं फटाफट बनाऊँगी रोटी। और जब भी मैं कोफ्ते के लिए मतलब मसाला भूनती हूँ उसमें दही ज़रूर डालती हूँ, दही डालने के अच्छे से भून दीजिए ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। मोनी चली गई है एंड ये देख मैंने बड़ी बिंदी लगाई क्योंकि छोटी बिंदी गिर जाती है। और मैंने आज बनाया कोफ्ता, रोटी मैंने बना के रख लिया है एंड इसमें ये फ्राई, आज मैंने बड़ी बिंदी लगाई है क्योंकि छोटी ज़्यादातर गिर जाती है एंड मैं सिंदूर से लगाती हूँ तो उतना दिखता नहीं, तो मैंने आज बड़ी लगाई है। नहीं दीदी, मेरा चावल बन गया, इधर बन गया है दीदी कोफ्ता और मैंने इधर रोटी सेक के रखी है। तो आज मेरा डिनर 9 बजे तक रेडी हो गया, तो 8:30 बजे तक हो गया था, बट मैंने चावल थोड़ा रुक के बनाया। तो मेरा खाना जल्दी बन गया था तो मैंने आज खाने में मतलब ये देखिए तो तल की दाल थी तो मैंने इसको जीरे से तड़का दे दिया है एंड इसमें राइस और इधर ये बन गया है रोटी और देखिए फेसबुक पसीना और ये बन गया कोफ्ता। और मैंने जो ग्रेवी वाली खाना बनाया था मेरे सच में फिर से मन हो रहा है कि मैं बना के खाऊँ। मोनी चली गई, स्वास्तिक चला गया तो थोड़ा सोना सोना लग रहा, कल ही रात में वो लोग गए। और यस मम्मा, आप दाल खाओगे बेटा? अच्छा आप जो ये पापड़ भुना ले आइए।
हम लोग जल्दी डिनर कर लें। 1 मिनट खाना जल्दी हो गया था एंड उसके बाद और कोफ्ता सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो उसको मेरे पति दुल्हे हैं सबके लिए आइसक्रीम एंड मैं बहुत मतलब एक साल के बाद ये कोन वाली आइसक्रीम खा रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है क्योंकि मैं इधर एक साल से मुझे बहुत सफर हो गया था कि मुझे खाना है कुल्फ़ी। तो मुझे जब भी मैं कुछ ऑर्डर करती थी ना तो कुल्फ़ी, तो बहुत दिन बाद मैंने बोला मुझे कोन वाला खाना है, या वो अपने मन से ले आए थे क्योंकि मैं गुस्सा हो गई थी क्योंकि मुझे लेके नहीं गए थे वो, इसलिए वो अपने मन से कोन वाली ले आए थे एंड सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगर वो शायद मुझसे पूछते तो मैं कुल्फ़ी फिर से ऑर्डर करती एंड